बीते 10 अगस्त नूं बटाला पुलिस दे अधीन पैंदे पिंड मीका दे विच पति पत्नी दे कतल दा मामला सामने आया सी। दोनों नूं ही उन्हां दे घर अंदर ही कतल कर दिता गया सी अते वारदात दा पता कतल करन तों 3 दिन बाद लग्गिया सी। इस दे नाल ही दूसरा मामला बीती 14 अगस्त नूं पिंड सधारण तों सामने आया सी, जिस दे विच पिंड दे कांग्रसी सरपंच बलजीत सिंह दा तेजधार हथियारां दे नाल वार करदे हुए कतल कर दिता गया। इन्हां दोनों ही मामलों नूं सुलझाउंदे हुए बटाला पुलिस ने पति पत्नी कतल मामले च 2 नौजवानों नूं काबू करते हुए उन्हां दे कोलों कतल लई वरते हथियार भी बरामद किए। इस मौके उपर इन्हां दोवां मामलों बारे SSP बटाला अश्विनी गोटियाल ने कोर्ट की जानकारी दी। सुनते हाँ। 10 तरीक अगस्त रात नूं सानूं एक मैसेज मिलिया सीगा कि कुमान पुलिस स्टेशन दे विच एक पिंड पैंदा है मीकी, उत्थे एक कार दे विच डबल मर्डर होया, 2 बुजुर्ग ने उन्हां दे मर्डर किया गया। तो असीं उत्थे इमीडिएटली पहुँचे सीगे, सारा अपना टीम इहदे विच कंसर्न DSP हल्के दी DSP साहब सीगे और DSP फतेहगढ़ चूड़ियाँ, DSP डेरा बाबा नानक और साथ में ही जो SHO सिविल लाइन है, SHO कुमान है, सारे दा एक टीम बना के असीं स्पॉट विजिट कीते सी और इमीडिएटली उत्थे अपना इन्वेस्टिगेशन दा असीं शुरू कीता सीगा। तो 24 घंटे के अंदर अंदर ये केस दे विच जो भी इन्वॉल्व सीगे उहदा सानू आइडेंटिटी पता चल गया सीगा कि कौन कौन हैगे आ जो इन्होंने किया सी। लेकिन उहदे अरेस्ट दे विच सानू 2 दिन लगे, तो विदिन 3 डेज ये केस जो है असी सॉल्व किए हैगे। इहदे विच 2 लोगों की अरेस्ट पई हुई है, उहदे विच सरवण सिंह अलियास समा और एक बलराज सिंह अलियास बब्बू, ये दोवां की अरेस्ट असी ऑलरेडी कर दिते हैगे। ये जो मेन कारण सीगा मर्डर का, वह सीगा इन्हां दी आपसी एक रंजिश तुसी कह सकते हो। 1.5 साल पहला जो डिसीज हैगे जो मृतक ने लश्कर सिंह, उन्होंने जो सरवण सिंह अलिया समा उन्होंने कहा सीगा कि तुसी मेरे बेटी और दमाद उदा कतल करो, क्योंकि उन्होंने आउट ऑफ कास्ट शादी की सी इन्हां दे मर्जी के खिलाफ। तो उदे करके वो बहुत उन्होंने नाल हुण भी बहुत गुस्से च सीगे, तां करके वो चाहुंदे सी कि इन्हां वल्लों उहदा कतल करवाइए। लेकिन उदे वास्ते इन्होंने 2,70,000 रुपए उन्होंने दे भी दिते सी, एक 1.5 साल दे विच विच जो पूरे टाइम पीरियड दे विच जदों इन्होंने कम नहीं किया, और तो फिर इन्होंने गुस्से च उन्होंने तो पैसे मंगन शुरू किया कि तुसीं कम भी नहीं किया, मेरा वापस पैसे कर दो, ये कम मैं अपने आप कर दाँगा। तो जदे यही आपसी जो लड़ाई झगड़ा इन्हां दी चलती रहती सी ये करके, तो 10 तरीक रात नूं इन्हां दी उन्हें घर ही रह रहे सीगे जो तीनों दोषी जो हैगे आ, और वहां पर भी सेम वही गल चल पई कि मेरी पैसे वापस कर दो या तुसीं जाके उन्हां दा कतल कर दो। तो उस वेले इन्हां दी आपस दे विच जो हत्थापाई हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, उहदे बाद क्योंकि ये 3 सीगे तो वह 2 बुजुर्ग सीगे तां उन्हां नूं ओवरपावर करके उन्हां दी दोवां दी कतल कीती गई सी। तो हुण असीं उत्थों उसी घर तों इन्होंने जदों निकल रहे सीगे उन्होंने करता DVR और जो उतों की इन्हों को एक लाइसेंसी पिस्टल सेगा जो डिसीज्ड है लश्कर सिंह, उन्होंने को एक लाइसेंसी पिस्टल सी, वो पिस्टल तो इन्होंने ब्लैकमेल कर दिए सी सम्मा नूं। तो उन्होंने पता सी कि इहदे कोल ऑलरेडी पिस्टल हैगा, तो फिर उन्होंने वो पिस्टल भी ले लिए, पिस्टल और DVR और कुछ समान घर तो लेके घर तो भजे सी। जाते जाते इन्होंने घर का बाहरी जो गेट हैगा उतों की ताला लवाए सके, क्योंकि इन्होंने ताला लाए सी तो लोगों को पता नहीं चलिया शायद जो घर के दोवें जो मियाँ बीवी है शायद वो कितने बाहर चले होने, ता करके उन्होंने रिपोर्टिंग दे विच लेट होया सीगा। असी हुण 15 तरीक रात को दोवें दोषी मंड पिंड है जी कुमान थाने तो उत्थे भी आपां अरेस्ट किए हैं, और नाल ही जो इन्होंने उन्होंने घर तो जो पिस्टल चोरी की सी वो पिस्टल बरामद हो गई है, नाल ही जो समान है उहदे भी चल रहा हले उहदा रिकवरी प्रोसैस चल रही है, और DVR और होर भी समान है जो इन्होंने कपड़े वगैरह पाए सके उन्होंने एक जगह इन्होंने सिटिया होया उहदा भी हले रिकवरी जो है चली हुई है। दूजे केस दे विच जी प्रोफेशनल किधर है कि जिहड़ा इन्होंने इन्हां दा मर्डर कीता? नहीं जी, ये इनको जानते थे पहले, वो जानते सी इन्हां दी एक तरीके नाल रिश्तेदार भी हैगे आ, मतलब बहुत क्लोज सीगे फैमिली नूं, तो इन्हां नूं पुछया सी इन्हां ने। नहीं जी, उन्हां दे उत्थे कोई पर्चा नहीं हैगे आ हाले भी, अगर हैगे या पुराने कोई चीज़ है वो हले असी वेरीफाई कर रहे, लेकिन हुण तक दी जो साढ़े नॉलेज दे विच आया एट प्रेजेंट तो उस दे विच तो है नहीं, उन्हां दा कोई पर्चा नहीं है जी। हुण जो दूजा केस है जी थाना रंगण नंगल दी है, 15 अगस्त नूं सानूं सवेरे एक कॉल आई सीगी कि पिंड सदा रंग
ਉਹਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜੋ ਹੈਗੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਜੀ ਐਸ ਐਚ ਓ ਰੰਗਨ ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਐਕਚੁਲੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਹੋਸਪਿਟਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਬ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਘੰਟੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਤਾ ਔਰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਰਡਰ ਵੈਪਨ ਹੈਗੇ ਆ ਦਾਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਜ੍ਹਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ 6 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਲਜੀਤ ਵੱਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਤਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਮਰਡਰ ਵੈਪਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਏ।